Hey guys, तो आज मेरे पास काफी सारे न्यूज और अपडेट है MCU और DCU से लेकर के, तो भाई वीडियो को एंड तक ही देखना। तो भाई सबसे पहली अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से। तो जैसा कि हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी आ सकती है, तो यारो यहाँ पर ऐसे रूमर्स है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डोरमामू रिटर्न कर सकता है। और यारो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और किन्या जाते हैं इनकर्जन को रोकने के लिए, तो यहाँ पर जो पोर्टल किन्या ओपन करती है, अगर आप यहाँ पर उस डायमेंशन को ध्यान से देखते हैं ना, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन लग ही रहा था डोरमामू के साथ में। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में डोरमामू का मामू बना दिया था, लेकिन अभी शायद यहाँ पर मामू के वापस आने का टाइम आ चुका है। #MamuIsBack। और यारो ऐसे भी न्यूज है कि द मार्वल्स का ट्रेनर फरवरी में आ सकता है, और यहाँ पर ट्रेनर का टाइम ड्यूरेशन होने वाला है लगभग 2 मिनट 10 सेकंड का। तो यारो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इसको देखने के लिए। और इसके बाद एक अपडेट है सीक्रेट इन्विजन से, कि सीक्रेट इन्विजन के 6 यानी कि भाई लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा कैमियो होने वाला है। अब यहाँ पर किसका ये अभी तक कन्फर्म नहीं। हालांकि यहाँ पर मोहित भाई मेरे साथ अगर होते तो कहते कि भाई मेफिस्टो इज बैक। और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी रूमर्स है कि रेरी विलियम्स का कैमियो हो सकता है विजन क्विस्ट में। हालांकि भाई अभी तक की विजन क्विस्ट ही कन्फर्म नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर विजन क्विस्ट आती है तो यहाँ पर रेरी विलियम्स का भी कैमियो हो सकता है। और भाई ऐसे भी रूमर्स थे कि यहाँ पर विजन क्विस्ट यंग एवेंजर्स को सेटअप करने वाली है। तो भाई अगर ऐसा होता है तो भाई जाहिर सी बात है कि रेरी विलियम्स का कैमियो तो होगा ही। और अभी यंग एवेंजर्स की बात हो ही रही, तो भाई ऐसे भी रूमर्स है कि कैट बिशॉप यहाँ पर यंग एवेंजर्स की लीडर हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ दिनों के पहले ऐसे भी रूमर्स थे कि वांडा का कैमियो हो सकता है अगाथा शो में, बट अभी यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि वांडा का कैमियो अगाथा में नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक नया रूमर बाहर आ गया कि वांडा की एक सोनो मूवी या फिर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन यहाँ पर MCU बना रहा है, और अभी ये अपने इनिशियल डेवलपमेंट में है। और इसके बाद एक अपडेट है थंडरबोल्ट्स मूवी से, द बियर की एक्ट्रेस एओ एडबरी का थंडरबोल्ट्स मूवी में कोई तो रोल यहाँ पर होने वाला, पर यहाँ पर कौन सा ये अभी तक कन्फर्म नहीं, यानी कि भाई ये अभी अननोन है, लेकिन उन्हें कास्ट कर लिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर एक काफी बड़ी अपडेट है टोबे मैग्वायर से लेकर के। तो यारो यहाँ पर टोबे मैग्वायर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर MCU में स्पाइडरमैन के रोल के लिए उनके पास कोई ऑफर आता है, वो 100% यहाँ पर स्पाइडरमैन का रोल प्ले करेंगे। यानी कि भाई सीक्रेट वॉर्स में तो टोबे मैग्वायर का कैमियो बिल्कुल कन्फर्म समझो। और साथ ही यहाँ पर ऐसी भी न्यूज है कि स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका MCU के किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में रिटर्न कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही, और भाई जहाँ पर रिटर्न की बात हो और वहाँ पर RDJ की बात ना हो, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि भाई आपने पूजा तो करनी लेकिन प्रसाद आखिर लिया ही नहीं। तो यारो एक इनसाइडर की तरफ से ये कंफर्म न्यूज है कि यहाँ पर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के एंड में हमें RDJ एस टोनी स्टार्क दिख सकते हैं। और भाई अगर यहाँ पर ऐसा होता है ना, तो भाई क्या ही सीन होगा। मतलब कि भाई अभी से मेरे को सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। और इसके बाद थंडरबोल्ट्स से एक और अपडेट है कि भाई थंडरबोल्ट्स मूवी ब्लैक विडो का सीक्वल टाइप का हो सकती है। अरे भाई कौन है जो ऐसा करना चाहता है। साथ ही यहाँ पर थंडरबोल्ट से एक और अपडेट है कि भाई इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंट्री एक सुपर सोल्जर होने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं कि थंडरबोल्ट मूवी में क्या स्क्रिप्ट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों इस वीक में काफी सारी अपडेट आई है काफी सारी इनसाइडर की तरफ से कि यहाँ पर रेन गॉसलिंग फैंटास्टिक 4 में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में काफी कमाल की अपडेट है एंटमैन क्वांटमेनिया और लोकी सीजन 2 से। तो यारो यहाँ पर ऐसे रूमर्स है कि एंटमैन क्वांटमेनिया डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाली है लोकी सीजन 2 से। और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी रूमर्स है कि लोकी सीजन 2 में हमें कैंग का वेरिएंट इन्वेंटर भी दिख सकता है। तो मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों को देखने के लिए। मतलब कि भाई दिन से बस निकल रहा है कि आ जा। तो यारो मजाक की न्यूज तो काफी ज्यादा हो गई, लेकिन अब बात करने से थोड़ा सा सीरियस न्यूज के बारे में, यानी कि DC न्यूज के बारे में। तो यारो अभी यहाँ पर DC में सब यही बात कर रहे कि आखिर जेम्स गन न्यू DCU की सीनेट को कब अनाउंस करेंगे। तो शायद यहाँ पर जब मैं इस वीडियो को पब्लिक करूंगा उस टाइम पर शायद यहाँ पर न्यू DCU की सीनेट अनाउंस हो भी चुकी होगी, या फिर शायद होने वाली होगी। तो यारो यहाँ पर ऐसी न्यूज है कि जेम्स गन आज या फिर कल में यहाँ पर अनाउंस कर देंगे न्यू DCU की सीनेट को। बटकन यहाँ पर जेम्स गन की इंस्टा स्टोरी से एक डिटेल यहाँ पर सामने आई है, जिससे कि यहाँ पर सभी लोग ऐसा गेस कर रहे हैं कि अमांडा वॉर्नर यहाँ पर न्यू DCU की सीनेट का पार्ट होने वाली है, यानी कि भाई न्यू DCU का पार्ट होने वाली है। देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या अनाउंस करते हैं जेम्स गन। और साथ ही यहाँ पर जेम्स गन ने ये भी कहा कि वो MCU में गमोरा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जीव के साथ में काम करना चाहते हैं न्यू DCU में। लेकिन भाई एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज ये भी है कि यहाँ पर DC ने टाइटन और डूम पेट्रोल को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। मतलब कि भाई एक और शो जो कि DC ने कैंसिल कर दिया है। तो हालांकि यहाँ पर इस वीक में DC से ज्यादा अपडेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो वीक आने वाला है इस वीक में तो भाई DC से भर भर के अपडेट होने वाले हैं। तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।